फिल्म जंजीर को अमिताभ बच्चन की एंट्री माना जाता है इट वॉज हिज बिग टिकट टू स्टारम इसी फिल्म से वो स्टार बने पर कैसे बड़े बड़े स्टार्स के हाथों से फिसलती हुई ये फिल्म पहुंची अमिताभ तक ये भी अपने आप में एक अनोखी कहानी जंजीर सबसे पहले दरअसल धर्मेंद्र करने वाले थे न सिर्फ एक्टिंग बल्कि उसे प्रोड्यूस भी एक दिन धर्मपाजी ने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से कहा और oh, लाला यार मेरे कोल एक कहानी मिल है मिल के बना लेंदे हैं प्रकाश मेहरा तुरंत राज़ी हो गए अब बाद में किन्नी वजहों से धर्मपा जी ये फिल्म नहीं कर पाए पर उन्होंने कहानी प्रकाश मेहरा को बनाने की इजाज़त दी दे दी दे। देव साहब को अप्रोच किया गया और उन्हें कहानी सुनाई गई अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि देव साहब कभी बैठकर कहानी नहीं सुनते थे चलते चलते सुनते थे देव साहब को कहानी तो पसंद आई पर वो पुलिस की वर्दी नहीं पहनना चाहते थे कहने लगे प्रकाश वाई आई कॉन्ट ए प्ले अ सी आई डी इंस्पेक्टर यू नो देन आई कैन ऑल्सो सिंग सॉन्ग्स प्रकाश मेरा एक बात पे पूरी तरह से क्लियर थे उनका हीरो गाना नहीं गाएगा तो देव साहब आउट हो गए फिर जानी राजकुमार साहब को अप्रोच किया गया उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कहने लगे जानी ये तो हमारी जिंदगी की कहानी है हम फिल्म करेंगे और इसे प्रोड्यूस भी करेंगे अनफॉर्चुनेटली प्रकाश मेहरा ठान चुके थे कि फिल्म वही प्रोड्यूस करेंगे सो so, जानी राजकुमार भी आउट हो गए इस उधेड़बुन में एक दिन सलीम जावेद ने प्रकाश मेरा से कहा कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में एक नया लड़का है उसे देख लीजिए उसके काम की बड़ी तारीफ़ हो रही तारीफ ऐसे प्राण साहब ने भी की थी उनकी तो प्रकाश मेहरा जावेद अख्तर के साथ फिल्म देखने पहुंच गए फिल्म में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जहां पतले दुबले अमिताभ ने सैंडविच चबाते बड़े स्टाइल और एटीट्यूड के साथ शत्रुघ्न से मुकाबला किया था सीन खत्म होते ही प्रकाश मेहरा जोरों से चिल्लाए मिल गया हीरो मिल गया लोग फिल्म छोड़कर उन्हें देखने लगे मार खाते हुए भी बड़े अंदाज से सैंडविच चबाने वाले हीरो में अपना पुलिस इंस्पेक्टर देख लिया था प्रकाश जी ने लाइट्स कैमरा किस्से में ये कहानी किस्मत की